students, this is question from chapter circles. If an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC equal to 6 cm is inscribed in a circle of radius 9 cm, find the area of triangle. तो आपको एक isosceles triangle दिया हुआ is inscribed in a circle, मतलब circle के अंदर inscribed, मतलब circle के अंदर है, circle के अंदर एक isosceles triangle है. Normally हम ऐसा figure बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं. अब यहां दिया ए बी 6 सेंटीमीटर. अगर मैं ये लू ए बी सी, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल लगे होगा कुछ, तो ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि फिगर थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर बड़ा लग रहा है, 9 सेंटीमीटर छोटा लग रहा है. ठीक है, तो फिगर को हम करेक्ट करते हैं ताकि हमारा आंसर सही आए, नहीं तो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी. ठीक है, समझ में आया? ये फिगर नहीं बनेगा क्योंकि 6 सेंटीमीटर फिगर को देखने से लग रहा है कि 6 बड़ा है यहां पर 9 से, ऐसा लग रहा है, लग रहा है ना. ठीक है, तो फिगर चेंज करते हैं हम, रहेगा वही ट्राइंगल सर्कल के अंदर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हम सर्कल लग रहा है, लग रहा है. मान लो कि ये सर्कल है और ये आपका ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल ये कितना है 9, अब लग रहा है. ठीक है, रेडियस OA OB, OA इक्वल टू OB कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया. तो यहां पर है 6, ये टोटल 9 है. ठीक है, इसमें से मैं इतने पार्ट का एक्स ले लूं, टोटल 9 है तो ये कितना बचेगा 9 माइनस एक्स. ठीक है, यहां से यहां तक 9 है. क्वेश्चन समझ लें तो अच्छा रहेगा. यहां पर हम राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, दो जगह राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे. मैं ये वाई ले लेती हूँ इतना, देखो क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, एबीसी आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वही एल्टीट्यूड होगा. ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और ये 90 डिग्री भी बन रहा है. ठीक है, एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल यहाँ पे नेम दे देते हैं ए बी सी डी दे देते हैं इसको, डी पॉइंट ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, इसमें हमने क्या एज्यूम किया वो भी लिख लें. लेट ए डी इक्वल टू एक्स, बी डी इक्वल टू वाई और हमें मिला ओडी इक्वल टू 9 माइनस एक्स. ये तो क्लियर हो गया, दिस माइनस दिस करोगे तो ओडी आ गया 9 माइनस एक्स. अब ट्राइंगल ए डी बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. ए बी है 6, बी डी है y और ए डी है x. ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36. लेट दिस बी इक्वेशन 1. इतना क्लियर. अब हम यहां लेते हैं नीचे वाला ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ये पॉइंट डी, बी डी ओ, इन ट्राइंगल बी डी ओ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. ओ बी कितना है 9, बी डी इज वाई, ओ डी इज 9 माइनस एक्स. ठीक है, इसको सॉल्व कर, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक्स और वाई की दो इक्वेशन बन जाएंगी, फिर हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करके कुछ भी करके आ जाएगा हमारा आंसर. 9 का स्क्वायर किया वाई स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूँ 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 36, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 36 प्लस 81 एज इट इज माइनस 18x एज इट इज, ये हमने किया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कितना आ जाएगा 81 और 81 कैंसिल हो गया, माइनस 18x की साइड चेंज कर दो, लेफ्ट साइड लेके आओ. ठीक है, तो एक्स आ गया 36/8, 18 दैट इज 2, एक्स आ गया. हमें फाइंड क्या करना था, एरिया निकालना, अभी एक्स आया, अब वाई निकाल लें, यहाँ पुट करते हैं वाई. इक्वेशन वन में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 32, सो वाई विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 32, 32 का मतलब 2 इंटू 2 पांच बार, कितना हो गया ये, 2 2 बाहर, 2 इंटू 2 रूट 2, दैट इज 4 रूट 2, सो वाई इज 4 रूट 2 सेंटीमीटर. एक्स और वाई आ गए, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बी डी बी सी, बेस बी सी और हाइट ए डी, बी सी कितना होगा, वाई का डबल कर दोगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है, वाई का डबल, वाई है 4√2 तो बी सी हो जाएगा 2i, that is 2 into 4 root 2, that is 8 root 2, BC आ गया 8 root 2, और AD है X, X है हमारा 2, 2 to cancel हो गया, so area is 8 root 2 centimeter square, this is area of triangle.